इस समय मौजूद हैं फरीदाबाद के सेक्टर 6 शिवालिक कंपनी पर, जहां पर मैं आपको बता दूं लगातार प्रवासी मजदूरों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। अत्याचार इतना ही नहीं, जबकि प्रवासी मजदूरों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनके साथ भद्दा मजाक जो है किया जा रहा है। तो इससे पहले भी हम आपको बता दें, जिस तरीके से हमने बताया था कि बस में करीब 6 किलोमीटर तक उन्हें घुमाकर वापस वहीं छोड़ दिया जहाँ पर वो पहले थे। इस तरीके का भद्दा मजाक कई बार जिला प्रशासन फरीदाबाद कर चुका है। अब ऐसा ही मंजर फरीदाबाद सेक्टर 6 शिवालिक कंपनी के सामने आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से प्रवासी मजदूरों को, एक दो नहीं बल्कि 100 की तादाद में लोगों को कंपनी से बाहर निकाल दिया है और मार्च के बाद उन्हें कोई भी सैलरी नहीं दी। ये सबसे बड़ा सवाल है। लगातार सरकार के अधिकारी की बात करें या सरकारी नेताओं की बात करें तो लगातार वो नेता ये कह रहे हैं कि किसी भी कंपनी मालिक को, किसी भी कर्मचारी को निकालने का कोई हक नहीं है और साथ ही साथ उनको सैलरी भी लगातार देनी है। इस तरीके का जो स्लोगन है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राष्ट्र संबोधन में ये कहा है। अब इन कर्मचारियों से हम बात कर लेते हैं, आखिर ये क्यों खड़े, क्यों इन्होंने लंच हाथ में ले रखा और क्यों कंपनी के बाहर खड़े हुए, क्या वजह है? क्या नाम है जी आपका? सर मनीष कुमार गिरी नाम है। मनीष जी, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों आखिर बाहर खड़े हो आप लोग? सर हम लोग कल 2 बजे से पेमेंट की बात की गई तो आज सुबह आए तो कुछ बंदे को अंदर लिया गया और कुछ बंदे को बाहर लिया गया कि बोला काम करना है करो नहीं तो जा सकते हो। किसने बोला है, कौन है, कौन सी कंपनी है, कितना प्लॉट नंबर है इसका? प्लॉट नंबर 7 है सर, शिवालिक है। अच्छा। शिवालिक लिमिटेड है। आप लोग कहाँ से रहते हो, मतलब पीछे से कहाँ के हो? सर बिहार के रहने वाले। यहाँ कुछ यहाँ कैसे कैसे करके अपना परिवार पाल? सर किराए में रहते, किराए वाले बोलते पैसे लाओ तो यहाँ कंपनी पैसे देगी तब तो पैसे दूंगा, वो माथे में चढ़ते तो क्या करूँ मैं। कितने कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया? 100 कम से कम कर्मचारियों को, और 200 बंदे काम कर रहे हैं। अब कैसे बोल रहे हैं कि ये ज्यादा कोरोना वायरस फैल रहे इस चलते बंदे निकाला जा रहा, पहले ये नहीं हो रही थी, अब जब से पेमेंट की मांग हुई है तब से ये कल से ये ड्रामा कर रहे कि नहीं अब काम नहीं होगा करना है करो नहीं तो जा सकते हो। जबकि प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि किसी की सैलरी नहीं रोकनी है और किसी को निकालना नहीं है, बावजूद उसके क्या ये कंपनी जो चालक है संचालक है ये क्या अपनी मनमानी कर रहे हैं? हाँ जी कर रहे हैं, खुद ही बोल रहे करना है करो नहीं तो जा सकते हो। तो अब क्या अब क्या करोगे आप, जैसे कंपनी ने निकाल दिया सैलरी भी नहीं दी तो कैसे क्या करोगे, घर भी नहीं जा सकते क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है सर, कहीं जा नहीं सकते, रूम से निकलो तो बोलते अंदर जाओ राशन सिर्फ लेना बस। और पुलिस को तो आपकी मदद करनी चाहिए क्योंकि ऐसे टाइम में तो सरकार भी साफ तौर पे कह रही है कि कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूरों की मदद करनी चाहिए, तो क्या मदद नहीं कर रही है पुलिस? नहीं दे रही कौन, मार्च महीने का सैलरी मिला उसके बाद अप्रैल मई 2 महीने से सब बेकार पड़ा। मकान मालिक ने किराया छोड़ रहा है, राशन वाला बिल के लिए गालियां तक देता है कि तुम लोग ड्यूटी करते हो पैसा नहीं मिलता, लेकिन हम लोग जानते हैं यहाँ ड्यूटी करते लेकिन अभी तक हम लोग का पैसा नहीं मिला है। मार्च का पैसा अप्रैल मई में मिला है। कितना पैसा अभी रुक रहा है कंपनी का? पूरे 2 महीने का है। 2 महीने का है। अब पैसा भी नहीं दिया, कंपनी से बाहर भी निकाल दिया, अब कैसे गुजारा करेंगे आप? क्या करेंगे, सबको रोड पे भुखमरी आ चुका है यहाँ। गवर्नमेंट घर जाने का कोई रास्ता है आपके पास? गवर्नमेंट ट्रेन बंद कर रखा है, सब कुछ बंद हो रखा है, कैसे जाएंगे? या तो सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि जिस तरीके से ना तो ये घर जा सकते हैं और ना ही इनके पास पैसा है खाने के लिए। आपका क्या नाम है? जितेंद्र कुमार मंडल। जितेंद्र जी, आई कार्ड है, कौन सी कंपनी का है? शिवालिक लिमिटेड, सेक्टर 6, प्लॉट नंबर 7। कब से काम कर रहे हैं आप सर? हम हो गया 4 साल हो गया सर। 4 साल हो गए। अब क्या समस्या आई है, इतने सारे लोग जो है कंपनी के बाहर खड़े? सर समस्या है कि मकान वाले किराया मांग रहे हैं, राशन वाले किराया पैसे मांग रहे हैं, तो हम लोग कहाँ से देंगे? कंपनी कल 2 बजे ड्रामा हल्ला हुआ पैसे के लिए बोले तो बोले चचे डंडा मार के सबको वर्कर बाहर करो, अब पुलिस वाला भी कुछ नहीं बोल। तो क्या पुलिस से आपने हेल्प नहीं मांगी कि सर हमारी सैलरी नहीं मिल रही है और हमें कंपनी से बाहर निकाल दिया? मैंने पुलिस वाला को बोला था अंदर में जब आए थे कल, पुलिस वाला कंपनी वाले ने बुलाए थे तो बोला कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पुलिस ने ये कहा है। हाँ तो फिर सुबह में हम लोग आए तो पुलिस वाला एक गाड़ी में खड़ा करके गेट के सामने सबको बोला कि हम लोग पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि आपको कंपनी 2,000 रुपए दे रही है एडवांस के रूप में, जिसमें मई का सैलरी के जैसा मई में काम कर रहे हैं तो मई के सैलरी के बराबर हमारा ये कह रहा है कि 2,000 ये आपका मई का सैलरी होगा उसमें काटी जाएगी, बाकी हम अप्रैल का सैलरी नहीं दिया जाएगा, अप्रैल का सैलरी हम नहीं दे सकते हैं। कभी एडवांस देते ही नहीं। लंच लेकर के आयो क्या करोगे, घर से तो निकल के आयो काम करने के लिए? काम करने के लिए हम आए हैं जी, मगर ये काम करने के लिए पुलिस वाला कह रहा है कि काम करना है तो करो नहीं तो नहीं करना है तो गेट के बाहर जाओ। क्या कंपनी वाले घुसने दे रहे हैं अंदर? कंपनी वाले गेट के बाहर कह रहे हैं कि घर से बाहर जा रहे, कंपनी से बाहर जाओ जी। अच्छा, इस तरीके की हालत आ गई। हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार प्रवासी मजदूरों को दोहरी मार पड़ रही है, पहला पेट और दूसरी पीठ। लगातार पुलिस भी
प्रवासी मजदूरों के साथ कोई रवैया ऐसा अपना रही है जो कि इनके लिए बिल्कुल ही गलत है। कहीं ना कहीं ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस को भी इनकी मदद करनी चाहिए। और जो कर्मचारी हैं जिस तरीके से यहाँ पर जो खड़े हैं, वो कर्मचारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। कंपनी संचालक हैं वो उन्हें बाहर निकाल रहे हैं, ना कि सैलरी दे रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि PCRB इस समय आ चुकी है मौके पर, पुलिस जो है कर्मचारी मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बलबीर जी, सर क्या समस्या आ रही है, लोग इतने सारे खड़े हुए हैं और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं नौकरी के लिए, वजह क्या है? वो बताएगा इंचार्ज साहब बताएंगे, आप नहीं बता सकते। तो क्या समस्या आ रही है, इनकी मदद नहीं करनी चाहिए पुलिस को? उससे पूछ लो ना। अच्छा, कहीं ना कहीं जो इंचार्ज साहब हैं वो अभी बातचीत में लग रहे हैं, पर जिस तरीके से मैं आपको दिखा दूँ, ये पीछे ये जो जितनी भी कंपनी यहाँ पर जो नज़र आ रही है, ये यहाँ से लेके वहाँ तक ये शिवालिक कंपनी है और प्लॉट नंबर 7 इसका बताया जा रहा है। और यहाँ पर अगर बात करें तो एक दो नहीं बल्कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं करीब 50-60 लोग हैं, और इनसे और इनमें से भी कुछ लोग जो हैं अपने घर जा चुके हैं। लगातार सरकार ये दावा कर रही है कि प्रवासी मजदूरों के साथ किसी भी प्रकार की कोई गलत बात नहीं होगी और उनका वेतन लगातार उनको दिया जाएगा, कंपनी उन्हें बाहर नहीं निकालेगी। बावजूद उसके इनके साथ इतना बड़ा जो है दुर्व्यवहार यहाँ पर किया जा रहा है, इनके पास पैसा नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इनको नौकरी पर भी जो है नहीं रखा जा रहा, नौकरी से हम निकाल दें। इंचार्ज साहब से हम पूछ लेते हैं क्या कुछ समस्या आ रही है। सर क्या कुछ समस्या आ रही है? कोई बात नहीं, कंपनी खोल रही है, काम करने वाले सभी काम कर रहे हैं, 10-20 आदमी है, ना ये काम करना चाहते शोर मचा रहे। जब इनको कह दिया 5,000 रुपये एडवांस दे रहे हैं कंपनी, ये जो तनख्वाह देगी बाद की बात, पहले तसल्ली कर। जब कंपनी ने बात हुई है, कंपनी कह रही 5,000 रुपये खर्चा के लिए एडवांस दे रहे हैं, जो तनख्वाह मिलेगी सभी को मिलेगी, करीब 18,000 कर्मचारी सभी को मिलेगी, ये कंपनी का मैनेजमेंट कह रहा है। ये कंपनी 20-30 आदमी या नहीं काम करना चाहे तो लॉकडाउन है या भीड़ इकट्ठी ना करें, आज दाना मास्क लगा रखे, आज लगा रखे। सुरेंद्र जी मेरा एक सवाल है, आखिरी सवाल है, जिस तरीके से एक व्यक्ति नहीं बात करें, हम काफी सारे लोग कह रहे हैं कि कंपनी का गेट बंद कर दिया है, कंपनी खुल रही है, अभी आ रही जाना चाहिए तो काम करें, मैं कह देता हूँ कंपनी अभी, अगर ये जाना चाहे तो मैं कंपनी से बात करना चाहता हूँ, काम नहीं करना चाहते, मेरी सैलरी नहीं दे रहे। सैलरी तो अपना आप उनके हिसाब से होगी, जिस हिसाब से इनकी मैनेजमेंट करेगी, वो सारी बात तो मैनेजमेंट वाले बताएंगे। बाकी ये कह रहे 5,000 रुपये एडवांस देने के लिए हम आज भी तैयार, आज चले जाएंगे इनका खत्ते में। अच्छा, बैंक में सभी के 5,000 रुपये चले जाएंगे। नहीं, जिस तरह के दो महीने की सैलरी रोक रखी है, नॉर्मल सी बात है, अप्रैल की महीने की बची है, बाकी तनख्वाह ले चुके हैं। ये तो कह रहे दो महीने की मैनेजमेंट बता रही है, एक महीने की अप्रैल की बची है, वो मैनेजमेंट सही बोल रही है या फिर ये गरीब मजदूर? वो तो इनकी बात की बात है, अब ये सही है वो तो जांच का विषय है। अच्छा भाई, ये सही बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट गए हुए। तो क्या आप इन्हें अब कंपनी में अंदर पहुंचाएंगे? कंपनी जाना चाहे तो मैं अभी भिजवा देता हूँ। चलिए, पुलिस ने दावा किया है कि अब इन्हें लॉकडाउन नहीं करेंगे, तो आप लोग अपना कंपनी में जा सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। इस तरीके कंपनी के अंदर तो ले जाएंगे, मगर कंपनी के अंदर ले जाके 2-4 दिन काम करा के उसके बाद हमारी गेट बंद। फिर से पुलिस ने दावा किया है कि पुलिस आपकी मदद करेगी, उस टाइम में हमारी पुलिस नहीं सुनती है, उस टाइम में कंपनी वाले को पुलिस वाले सुनते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि अगर हम लोग को काम नहीं कराना है तो हमारी पूरी मई की तनख्वाह और अप्रैल की तनख्वाह दे दी जाए, हम लोग अपनी घर चले जाएंगे, जैसे पैदल भी जाना होगा पैदल हम जाने के लिए, मगर तैयार है हमारी दी जाए। चलिए, तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं इनका साफ तौर पर कहना कि हमारी 2 महीने की सैलरी दे दे, हमें इस कंपनी में काम नहीं करना, क्योंकि ऐसा हो सकता है इनके साथ के 2-4 दिन काम कराने के बाद ये कंपनी इन्हें फिर से गेट से बाहर निकाल दे और इन्हें तनख्वाह भी ना दे। बहुत बड़ा सवाल है प्रवासी मजदूरों के साथ, सरकार को भी इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ जिला प्रशासन को भी इस पर नज़र रखनी चाहिए कि आखिर प्रवासी मजदूरों के साथ ऐसा बर्ताव ना हो। फरीदाबाद से ANB News के लिए मुकेश राजपूत।